आज गोवर्धन पूजा है, आप सभी को हार्दिक गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बस तबीयत मेरा ख़राब थी, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। सवेरे थोड़ा सा तालाब की तरफ घूमने जा रहा हूँ, इसलिए आज गोवर्धन पूजा है तो उसके लिए कमल फूल तोड़ने और थोड़ा सा तालाब तरफ घूमने भी। कल एक जगह फूटा हुआ था, उसको भी बांधना था, बांधे थे उसको, तो उसी को देखने के लिए भी जा रहा था। तो चलिए थोड़ा सा तालाब का चक्कर लगाते हैं और फिर कमल फूल दो चार ठो लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। धान तो लगभग लगभग सभी का ही लगभग लगभग पक ही गया है, एक आध सप्ताह में काटने लायक तैयार हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जब गोवर्धन पूजा मनाए थे वो नवंबर में था, इस साल अक्टूबर में है, तो काफ़ी पहले है, लगभग 15 से 20 दिन पहले अपन गोवर्धन पूजा इस बार मना रहे हैं। तो एक हिसाब से ठीक भी है कि ठंड कम है, बट एक हिसाब से कहें कि थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि पिछले साल तक धान वान वगैरह एक आध दो मिसाई हो जाया रहता था, इस बार तो एक भी बार मिसाई नहीं हुआ है, धान ही नहीं कटाया है। और ये तालाब पहले की अपेक्षा पानी तो थोड़ा कम हो गया है, बट फूल है ना वो भी काफ़ी कम हो गया। परसों दिन कुछ बच्चे तोड़ के ले गए थे, तो दो चार अपन भी तोड़ के लेके जाएंगे। और आज गोवर्धन पूजा है तो माला वाला घर बनाएंगे और घर में भी कुछ लगाएंगे, कुछ हमारे जो भैंस वैंस इसमें भी लगा देंगे। तो चलिए अब यहीं पर कल अपन आनंद बांधा था, यहीं पर बांधा था, तो पानी तो अभी फिलहाल किसी ने फोड़ा नहीं है या फिर इस टाइप का कुछ हुआ नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और चलते हैं घर की तरफ। पानी को देखकर तो मेरा इच्छा हो रहा है नहाने का, बट दिक्कत ये है कि मुझे है सर्दी, और सर्दी वाले हालत में अगर मैं कूदता हूँ फिर से तो फिर वही हालत हो जाएगा। कल मेडिसिन वगैरह लिया था तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और मैं फिर से नहीं चाहता, क्योंकि सर्दी और जो खांसी होता है ना वो फिर असहनीय होता है। ये सर्दी अलग से होगा, फिर खांसी, अब ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो मैं फिर कूदना नहीं चाह रहा हूँ। तालाब में केवल लाल वाले ही कमल फूल हैं, आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, वो वाला उधर पे लाल वाला ही, और वाइट वाला इधर बहुत कम ही दिखता है, और पहले कम ही था, बहुत कम था, पहले मुश्किल से 20-25 या फिर कम ही एक साइड में, इस साइड में ही केवल था, थोड़ा था, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। हमारे छोटे भैया आ चुके हैं और ये आप कमाल देख रहे हैं क्या लेके आए हैं, और इससे आप समझ ही जाएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। एक्चुअली अपन निकालने वाले हैं कमल फूल, और पानी थोड़ा ज़्यादा है और ठंड भी है, तो इसकी वजह से अपन घुस नहीं पाएंगे। इसका एक जुगाड़ है कि इसके ऊपर बैठ के निकालेंगे, चलिए हम इसका आनंद लेंगे अभी। तो यार तू जाएगा तो मैं जाऊँ, पहला कहानी है। चलो ठीक है, आप ही जाओ। यार 20-30 तोड़ लेना। ये कुछ इस तरह से इसको चलाया जाता है, इसमें ये गाड़ी के टायर का ट्यूब है, इसमें हवा भर के उसके ऊपर लकड़ी के दो पटरे लगा के इससे जो है तालाब में तैरा जाता है। और ये खूब भाई लोग खूब इस चीज़ों में खूब एक्सपर्ट है। उधर से जा, उधर से भाई लोग इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट है। अभी गांव में रहते हैं, यहाँ तालाब है, एक और बड़ा तालाब है, वहाँ पर मछली वगैरह पकड़ना, जाल वगैरह लगाना, उस चीज़ों में ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं। तो अपन छोटे थे तो अपन भी करते थे पहले,
बट अभी के टाइम पे तो अपन जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो फिर भी अब अभी ये बता रहा है भाई कि उसमें उतना हवा नहीं है, तो बोला ठीक है कम से कम चलो वापसी से ही हम देख के ही आनंद ले पा रहे हैं, है ना। तो हमारे साथ इंजॉय कीजिए भाई। तो हमारा वो बीच मझधार में पहुँच गया, अब फूल वहाँ से तोड़ के लेके आएगा वो, तो लेके चलेंगे, फिर माला बनाएंगे और बड़ा बड़ा जो होगा उसी को तोड़ना, बड़ा बड़ा जैसे दिखेगा उसको। और मैं फिर से गोवर्धन पूजा की सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि सभी अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, ठंड है ठंड से बचें। मैं तो थोड़ा सा ठंड में पहलवानी कर दिया, तबीयत खराब हो गया था। तो ठीक है चलिए हमारे साथ इंजॉय कीजिए। वो कितना सारा फूल तोड़ लिया, हाँ काफ़ी सारा ले लिया चार पाँच। 10-15 के लगभग फूल तोड़ चुका है भाई, और ये कुछ इस तरह का जो है इसको नित्र पा चुका है। अब वहाँ काफी तोड़ रखा है, काफी सारा वहाँ पर 8-10 वहाँ तोड़ के रखा है। फिर यहाँ से 3-4 निकाल लेगा, फिर वहाँ से 5-6 वहाँ से निकाल लेगा, तो हो जाएगा 20 फुट। मिनिमम 20 फुट मेरे यहाँ पे 3 है, मेरे यहाँ पे 3 है और उनके यहाँ पे है 9 या 10 होंगे, तो टोटल अगर 15-20 भी अगर तोड़ लेता है ना तो काफ़ी है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। तो बस गाँव का यही तो फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें शहरों में आसानी से नहीं मिलती वो चीज़ आसानी से मिल जाता है। यही अच्छा है कि कमल फूल मिल गया अपने को। हमारे अवतार भाई साहब भी आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए थे यार, पुल तरफ क्या करने गए थे तुम लोग यार। मैं कब से वेट फ़ोन कर रहा था, नंबर भी तुम्हारा नहीं है, गगन को फ़ोन करके बोला भेजो करके, तो भेजा है, बोल रहा था तोड़ना ताड़ना है, तो तुम लोग तो कहाँ कहाँ, देखो तोड़ रहा है छोटा लोग तोड़ रहा है। अब देख पा रहे हैं इतना सारा मिल गया, निकाला है थोड़ा सा, तो लेते हैं और चलते हैं। और देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कमल फूल है, तो ऐसे भी कमल ब्रह्मा जी का है। इसमें भी किसी न किसी भगवान का तो वास होता ही होगा, तो जहाँ भगवान का वास हो तो देख कितना सुंदर दिख रहा है। और धन्यवाद हमारे छोटे भाई साहब, है ना, चलें। फूल वगैरह सब निकाल लिए, मैं भी कुछ ले लिया हूँ और भाचा भी कुछ लिया है और अवतार लोग भी रख रहे हैं कुछ। चलो कि हाथ पर धोना है, हो गया ना, चलो चलते हैं। और आनंद आनंद भाई साहब हमारे यहाँ से कहाँ तरफ घास काटो यार, चलो जल्दी जल्दी निपटाओ ना, जल्दी करेंगे। हमारे भैया तो अभी घर जाते हुए हमारे यहाँ के खेत के नाले आप देख सकते हैं, हम तालाब से निकल घर पहुंचने वाले हैं। भांजे और भाई को थोड़ा थोड़ा दे दिया, अपन भी थोड़ा सा रखे हैं और इसका माला बनाएंगे। ये भांजे लोग जा रहे हैं और भाई लोग, और चलिए माला बनाते हैं और आगे कार्यक्रम चालू करते हैं। ये मैं माला तैयार किया हूँ,
ये देख पा रहे हैं आप, इसमें गेंदा फूल और पराजिता और एक और कोई फूल पीला वाला, इसको मैंने मिलाकर बनाया है। अपने यहाँ टोटल जो है छः चार तीन सात जो है अपने यहाँ पे भैंस हैं। अपन नहा के रेडी हो चुके हैं और गाड़ी और इस गाड़ी दोनों गाड़ी को अपन नहला चुके, और साथ में हमने जो है इधर हमारे तीन जो आज के मुख्य आकर्षण है उन तीनों को भी नहला दिया गया। ये बड़ा है, दो छोटा बच्चा है, और अभी पूजा की तैयारी की जा रही है। इसमें घर में पूजा की पूजा किया जा रहा है अलग से, फिर उनके लिए फिर दाना बनाया जाता है जिसमें चावल जो पूसना चावल बोलते हैं, धान को उबाल कर उसको फिर कुटवा कर पूसना चावल नहीं बोलते हैं, शुगर वाले खाते हैं, वो सेम उसी को, उसी चावल को और उड़द दाल उसको मिलाकर उसको दोनों को खिलाया जाता है। और साथ में जो है हमारा जो ट्रैवल का मेन जो कहते हैं जिसको हड़िया, उसको भी साथ में उसको पानी पीने के लिए दिया जाता है। तो अभी इन सब पूजा करने के बाद इनको खिलाया पिलाया जाएगा।